सोनीपत में कोहरा और ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज 9 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले समय में और भी अधिक ठंड बढ़ने की संभावना जताई है और ऐसे में जहां कुछ किसान खुश नजर आ रहे हैं तो वहीं सब्जी किसान अभी चिंता में नजर आ रहे हैं। एनसीआर सोनीपत में भी ठंड और कोहरे का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप ये तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जहाँ जहाँ तक नजर जाती है कोहरा काफी छाया हुआ है। अगर हम आज के टेम्परेचर की बात करते हैं तो 9 डिग्री न्यूनतम टेम्परेचर सोनीपत में रिकॉर्ड हुआ है और अधिकतम 18 डिग्री तक रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है और आने वाले समय में और भी अधिक ठंड बढ़ने की आशंका मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। और हिसार में भी ठंड का सितम जारी है। हिसार में 8 साल बाद ठंड का रिकॉर्ड टूटा है। यहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री दर्ज हुआ है जो सामान्य से 11 डिग्री कम है। अब ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के मैदानी इलाकों में अच्छी खासी इन दिनों ठंड पड़ रही है। बात कर लीजिए हिसार और इसके आसपास के तमाम इलाकों की, तो आपको बता दें कि 8 साल बाद एक बार फिर से हिसार में ऐसी सिचुएशन बनी है कि सामान्य से 11 डिग्री तापमान जो है वो कम आ गया है। कल यहां पर 3.1 तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि रात की अगर बात कर ली जाए तो ये रात का तापमान था, वहीं इससे पहले की अगर बात कर ली जाए तो 22 साल के दौरान जो है ऐसा दूसरी बार मौका आया है जब सामान्य तापमान से 11 डिग्री का फासला जो है वो देखने को मिला। बात कर लीजिए हरियाणा के तमाम इलाकों की, तो आपको बता दें कि ना सिर्फ हिसार बल्कि इसके साथ लगते जितने भी इलाके हैं वहां पर भी अच्छा खासा मौसम जो है वो परिवर्तनशील देखने को मिला। आसमान में अच्छी खासी धुंध जो है वो छाई हुई है। फिलहाल की अगर मौके की तस्वीरों की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आसमान में जो है वो अभी भी धुंध गहराई हुई है। तापमान रात के वक्त जो है वो 3 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते एक तरह से मौसम ने अच्छी खासी करवट जो है वो ले लिया है। फिलहाल अगर आने वाले दिनों के अनुमान की बात कर ली जाए तो हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का अनुमान यही है कि 28 दिसंबर तक इसी तरह से मौसम जो है वो परिवर्तनशील रहेगा। एक तरह से बादलवाई का दौर भी जो है वो देखने को मिल सकता है, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मौसम बना हुआ है, जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई है, उससे अगर फसलों पर पड़ने वाले इम्पैक्ट की बात करी जाए तो आपको बता दें कि जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उससे कहीं ना कहीं फसलों को जो है वो फायदा होगा। कैंपस राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। और झज्जर में भी लोग ठंड और कोहरे से परेशान हो रहे हैं। आलम यह है कि लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आज झज्जर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच चुका है और इसके साथ ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 दर्ज हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। ठंड और कोहरे का असर सड़कों पर भी पड़ रहा है, जहां वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है। ऐसे में पुलिस ने लोगों से हैजार्ड लाइट ऑन करके धीमी रफ्तार में वाहन चलाने की अपील की है।